गुड मॉर्निंग। कल अपन ने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 10 बार थोड़ा सा रह गया था पीछे। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है? देखो 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। कैसे आता है अपन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब साइन की पावर 4 को और कॉस की पावर 4 को अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन कुछ इस तरीके से लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप सब जानते हो एलजेब्रा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो अपन यहाँ लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए क्या है अपना साइन स्क्वायर थीटा और बी वो है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा माइनस वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? और डिवाइड में क्या रहेगा, बट्टे में जो दे रखा है वो सेम रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर भी अपने साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो क्या होगा, आंसर हर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपन यहाँ क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ अपना आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड दे रखी है क्या, ठीक है दे रखी है बराबर आर एच एस, ये अपना 10th क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या दिया है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अपन क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है अपने कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो कॉट और टेन आया है, अपन जानते हैं कि जब अपन को लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है तो उसको अपन क्या करते हैं सिंपल वे में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कैसे होगा देखो, वो कॉट और टेन इनको अपन किस में चेंज करें साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन की जगह पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब दो भिन्न आ जाती है प्लस माइनस में तो अपन क्या करते हैं लस अपो लेते हैं, एलसीएम कहते हैं जिसको, तो एलसीएम लेंगे अपन यहाँ पे तो क्या बनेगा देखो एलसीएम कितना आएगा इधर साइन और इधर कॉस, एलसीएम अपना आ जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब साइन का भाग दिया अपन ने इस साइन कॉस में तो साइन से साइन कट गया, पीछे क्या बचा कॉस थीटा, तो कॉस गुणा कॉस कितना हो जाएगा कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
अब कॉस का भाग दिया अपन ने इस पूरे में, तो कॉस से कॉस कट गया, पीछे क्या बचा साइन थीटा, साइन को अपन साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, सही है क्या? ठीक है, अब देखो अपनी राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ये नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या चाहिए अपन को, टू साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और वन चाहिए, वो कैसे होगा देखो, अपन क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, वन था। अगर मैं साइन को यहाँ से हटा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये साइन उड़ के इधर चला गया, तो इधर क्या होगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन यहाँ लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस कॉस की जगह अपन क्या लिखते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप सब क्या जानते हो, माइनस का वन कितना होता है, जीरो होता है या माइनस का टू होता है, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा आगे, माइनस का रहेगा, एक और ये कितने हो गए दो हो गए, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, तो माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या दे रखी है, राइट हैंड साइड दे रखी है, तो अपन क्या लिख देते हैं बराबर में आर एच एस, ये अपना हैंड्स प्रूव। ठीक है, कर सकते हो। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये कैसे आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, यहां पर हो जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा इसका, चलो पहले लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं पहले, तो यहां क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अपने पास में देखो ए स्क्वायर दिया हुआ है और बी स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अपने दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर अपन अलग कर देते हैं तो पीछे क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये वाला टू ए बी जो है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का टू ए बी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है अपन को, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी, सही है क्या, कुछ नहीं किया अपन ने, 2ab को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस का था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से अपन a और b की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो यहाँ अपन a और b की वैल्यू लिख देते हैं, a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर कॉस स्क्वायर थीटा
और b बराबर कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सही है क्या? अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपन को सिद्ध करना था। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, राइट हैंड साइड, ये अपना सिद्ध हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में और क्या दे रखा है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर, टेन थीटा इंटू सेक थीटा के, ये अपने दे रखा है टेन थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर लाना है, टेन थीटा इंटू सेक थीटा के, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड ले ले, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ पहले, तो ये आ गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर, सॉरी यहाँ इंटू में एक और दे रखा है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो सेक कॉट और टेन को अपन किस में चेंज करेंगे, साइन कॉस में, तो यहाँ क्या बनेगा, एक बट्टा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है अपन को, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बनेगा अपने, देखो कॉस थीटा आ गया एलसीएम, कॉस का भाग कॉस में कितनी बार, एक बार, एक को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, एक आएगा माइनस, अब कॉस के बट्टे में कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो एक का भाग कॉस में कितनी बार, कॉस बार, कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इधर साइन और इधर कॉस, लसप कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन का भाग दिया अपन ने इस पूरे में, जब साइन का भाग लगाएंगे साइन से साइन कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का भाग दिया अपन ने इसमें, तो कॉस से कॉस कट गया, पीछे क्या बचा, साइन थीटा, तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ फॉर्मूला, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, दोनों एक ही फॉर्मूला है सही से देखा जाए तो, इसी को मॉडिफाई करके अपन ने ये वाला फॉर्मूला बनाया है। तो अपन क्या करते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ अपन ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू में क्या चल रहा था, ये हो गया वन अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों गुणा में दे रखे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, एक साइन से एक साइन कट गया, पीछे क्या बचा, यहां पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, एक बटा कॉस थीटा। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, टेन थीटा इंटू में एक बटा कॉस कितना, सेक थीटा। तो ये आ गया अपना सेक थीटा, राइट हैंड साइड दे रखी है, ये अपना आंसर बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 किसके बराबर, टेन स्क्वायर अल्फा के। इसको करते हैं अपन, यहां क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब देखो जब अपन को समझ में नहीं आता कुछ अपन क्या करते हैं, साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। इस पूरे के डिवाइड में क्या दिया हुआ है, कॉट की जगह अपन क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, ये आ गया अपना कॉस स्क्वायर अल्फा, एक का भाग कॉस स्क्वायर अल्फा में कितनी बार, कॉस स्क्वायर अल्फा बार, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू एक कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, यहां पर क्या बनेगा, ये होगा अपना साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस पूरे के डिवाइड में देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा, नीचे एलसीएम आएगा अपना साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा का भाग दिया अपन ने साइन स्क्वायर अल्फा में कितनी बार, एक बार, एक को साइन स्क्वायर अल्फा से गुणा किया कितना आ गया, सॉरी एक को कॉस स्क्वायर अल्फा से गुणा किया, तो यहां आ गया अपना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस। अब एक का भाग दिया अपन ने साइन स्क्वायर अल्फा में कितनी बार, साइन स्क्वायर अल्फा बार, तो साइन स्क्वायर अल्फा को एक से वापस गुणा करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो भिन्न के अंदर एक और भिन्न दे रखी है कि एक बड़ी भिन्न में दो अलग अलग भिन्न अंश और हर में, तो अपन क्या करते हैं नीचे वाले भिन्न को उल्टा करके लिखते हैं, व्युत्क्रम करते हैं उसका, तो यहां क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे में कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा गुणा में कितना आ जाएगा, ये उल्टा होगा तो साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय इधर कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे कितना दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा और नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बटा कॉस क्या होता है, ये होता है अपना टेन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या, राइट हैंड साइड। हो गया सिद्ध, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना साइन थीटा अपॉन, क्वेश्चन नंबर 15 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा
साइन थीटा, ये अपन को सिद्ध करना है। कैसे होगा? देखो यहाँ माइनस है और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ऊपर प्लस दिया है, तो क्वेश्चन को देखते ही अपन को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपन को परिमेयकरण करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे अपन, साइन थीटा बटे में वन माइनस कॉस थीटा। अब हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का अपन परिमेयकरण करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बटे में वन माइनस कॉस थीटा। अब देखो परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, यहां माइनस है तो उधर क्या होगा, प्लस से ऊपर नीचे गुणा होगा, एक प्लस कॉस थीटा बटे में एक प्लस कॉस थीटा, यहां तक ठीक है। अब देखो हर में क्या हो रहा है, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला था, ये था अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा अपना साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा बटे में कितना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, एक साइन से एक साइन कट गया, पीछे क्या बचा, वन प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये अपनी राइट हैंड साइड दे रखी है या नहीं, ये अपनी राइट हैंड साइड दे रखी है देखो। ठीक है, आज के क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।